मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप किसी के सोसाइटी में आके जबरदस्ती रह सकते हैं? हाँ, हाँ। बबीता जी आप रहने दीजिए, मैं बात करता हूँ। भिड़े बात कर भाई, गुलाबों के टाइम पे तो तूने मेरा जीना आराम कर दिया था। हाँ, इधर तंबू नहीं चाहिए। अभी बोले इनका भाई, इधर कोई तंबू गाड़ के नहीं रह सकता है, बोलो। हाँ हाँ, अरे क्यों ना गाड़े तंबू, क्यों ना गाड़े। गलती आप लोगों की है, आप थोड़ी के साथ पार्टी करने को गए थे और उसे खोए। अरे कैसे दोस्त हो आप, अरे साथ में पार्टी करने जाते हो, जब कोई तुम्हारे दोस्त को उठा के ले जाता है तो उसे बचाते भी नहीं। बाप ने ही खोया उसे, और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी आपकी है, आपकी है, आपकी है। अरे तुम भी उसके साथ गए थे ना पार्टी में? सरदार जी अपने अलग गलत फहमी होंगी, आओ एकलो पार्टी में न तो बंदो। मेरे साथ और भी मुंडे अस्सी। बेटा अस्सी नहीं, छे थे हम लोग, छे। अरे भाई तुझे पंजाबी नहीं आती है, मुझे आती है, बोलने देना भाई, शांति रखना। सॉरी मैं कुठे हूं दो। हाँ तो अस्सी पार्टी में लेट पहुंचन दो, अंजी पहले ही छोटी पार्टी में से काई पहुंच जान दो। कौन सी भाषा बोल रहा है? पंजाबी। इठा लाल आंधे अंधे करून वांदे केले त्यांचे। यार कितनी भाषा बोली तुमने, पंजाब, कच्छ, गुजरात, मराठा। माझा असा जाय, माझी ही भाषा ऐकून मोठे मोठे नर्वस होतात, मी काय करू। ओए सौ बातों की एक बात, आपने सोडी को खोया और आप ही सोडी को लेकर आओगे, और जब तक सोडी नहीं आता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बजा हमारे अरमानों का बाजा है, भाई दिल का राजा है, और सोडी जब तक घर नहीं आएगा हमने से कोई घर नहीं जाएगा। देखिए दारजी, मैं रोशन सिंह सोडी की वाइफ रोशन छ। सस्रीकाल जी, सस्रीकाल जी, सस्रीकाल। आप सबकी तरह हम भी बहुत परेशान हैं, और ये सब तो हमारे परिवार के सदस्य है। हम सब उसे दिलो जान से ढूंढने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, रोशन जल्द ही सही सलामत घर आ जाएगा। देखिए सरदार साहब, जिस तरह से रोशन सिंह छोड़ी आपका भाई है, हम सबका भी भाई है, हमारे परिवार का सदस्य है। और देखिए सरदार साहब, सोडी के गायब होने से जितना आप दुखी हैं उतना ही हम भी दुखी हैं। हाँ। और उसे ढूंढने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं, हम पुलिस में रिपोर्ट भी करा के आ गए हैं, और पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, और हम सबको उम्मीद है कि सोडी जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। हाँ। और ऐसा है तो हम घर नहीं जाएंगे। ओ सोडी को आ जाने दो जी, उसके साथ पार्टी शाटी मना के घर पे जाएंगे। क्यों जी? ओ मैं कहा बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, अब बैठो जी। भाई सोडी आएगा तो पार्टी शार्टी करके जाएंगे। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। सोडी का पुत्र लग रहा है। अरे पापा नहीं आए हैं, ये सब तो पापा के चाहने वाले हैं, और कह रहे हैं कि जब तक पापा नहीं आएंगे वो लोग यहीं बैठेंगे। दारजी पेरी पौना। पुत्र जिंदा रह, जिंदा रह, जिंदा रह। पुत्र छोड़ी जा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मैं रोशन सिंह छोड़ी का शेर पुत्र गोगी। जिंदा रह गोगी, जिंदा रह, जिंदा रह, जिंदा रह। दारजी मेरे पापा के खोने से हम सब काफी परेशान हैं। मेरी मम्मी की आंखें रो रो कर सूख गई है, कल से हमारी पूरी सोसाइटी सोई नहीं है। जैसे ही पापा का कुछ पता चलेगा हम आपको खबर करेंगे। हम अभी मंदिर से ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आए हैं,
मेरे पापा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे मेरे पापा। और जब वो आएंगे ना, तब हम सब मिलकर भांगड़ा करेंगे। और पुत्र, तेरे पापा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। वाहेगुरु सब मेर करेगा। ओए सीने लग जाओ, ठंड पैगी और सोने ठंड पैगी। और सब हम यहाँ भांगड़ा करेंगे। क्यों जी, करोगे कि नहीं? जरूर करेंगे। जगा भाभी जी, सत श्रीकाल। आप सबको नमस्कार। और सोडी आएगा तो असं जरूर आवेंगे, तो जरूर इतने भंगड़ा पावेंगे। क्यों जी? हाँ, हम सब मिलकर मनाएंगे पार्टी शार्टी। हाँ बिल्कुल, हमारी बाकी ही रहेगी। बोले सोनिहार। चलो जी, चलो जी, सोडी आएगा तो फिर आवेंगे, भंगड़े संगड़े पावेंगे। मानना पड़ेगा, हमारे सोडी भाई के चाहने वाले बहुत हैं। सही बात है, हमारा सोडी है ही ऐसा दिलदार, उसको सब चाहते हैं। चलिए भाइयों, अब तो सोडी को ढूंढने की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी शहर में उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमें अभी कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा सोडी को ढूंढने के लिए। अभी फिलहाल घर चलते हैं और कोई सॉलिड आइडिया सोच के वापस मिलते हैं। हाँ चलो, भगवान करे कोई आइडिया मिल जाए। चलो भाई, चलो भाई। नहीं नहीं, आइए आइए, संभालना रोशन भाभी, सब हम साथ। अरे हमारा मन हो गया। सोडी कहाँ गायब हो गया भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे नट्टू काका को तो फोन करके बोल दूं, मैं आज दुकान नहीं आने वाला हूँ। दीजिए बागेश्वर जी, गर्मा गर्म पूड़िया। थैंक यू बावरी जी। आप लोग खाइए, मैं देखती हूँ। हेलो, सॉरी रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? ओ अच्छा अच्छा। बावरी जी, सुबह सुबह पूरी भाजी का नाश्ता मिले यानी लाइफ सेट हो जाए, नहीं नट्टू काका? हाँ बागा, और साथ में अचार और दही भी, क्या बात है। थैंक यू बावरी बेटा, थैंक यू माय चाइल्ड। हाँ लग गया फोन। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी बोलिए। कौन हो तुम? आपने फोन किया है, आप बताइए आप कौन है? मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक बोल रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, खोटालाल जी। अरे मैं बावरी बोल रही हूँ। बावरी तुम? और मेरा नाम खोटालाल नहीं, जेठालाल है। ओह है, गलती से मिस्टेक हो गई। तुम वहाँ दुकान में क्या कर रही हो? अरे मैं दुकान में नहीं, गोडाउन में हूँ। गोडाउन में? नट्टू का कर भागा कहाँ है? वो भी यही है। हाँ तो फोन दो उनको। सॉरी वो थोड़ा बिजी है, वो अभी बात नहीं कर सकते, आप बाद में फोन करेंगे। जी, 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 जी। कौन है बावरी बेटा? फोटेलाल जी। वो कौन है बागा? अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक। अरे बाप रे, सेठ जी। सेठ जी? अरे बाप रे। बावरी, बावरी, फोन ला, फोन ला। एक मिनट। हेलो, वैसे पेठालाल जी, आज आप पहली बार मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं, तो बधाई हो। नट्टू काका को फोन दे। ये लीजिए। बावरी बेटा, फोन जरा स्पीकर पे कर। जल्दी, सेठ जी का फोन आ गया। हेलो सेठ जी। नट्टू काका, ये सब क्या चल रहा है? आप दोनों के होते हुए बावरी ने फोन कैसे उठाया? बावरी वहाँ क्या कर रही है? एक्चुअली सेठ जी, शी केम विद गुड ब्रेकफास्ट। दरअसल बावरी हमारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई है। सिर्फ गर्मा गर्म नहीं, ठंडा गर्म मिक्स, गर्मा गर्म पूरी भाजी और ठंडा ठंडा दही और साथ में अचार भी। बावरी, आई मस्ट से बहुत टेस्टी नाश्ता है। हाँ बेटा, तो सेठ जी आपका जब फोन आया तब हम लोग नाश्ता कर रहे थे, इसलिए फोन बावरी ने उठाया। बागा को फोन देना जरा। फोन स्पीकर पर है, वो सुन रहे हैं, आप बोलिए। बागा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि सॉरी सेठ जी। नहीं नहीं बागेश्वर जी, आप सॉरी मत कहिए, गलती मेरी है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। सॉरी मिठालाल जी, अगर आपको डांटना है तो आप मुझे डांटिए, इसमें बागेश्वर जी की कोई गलती नहीं है।
बावरी, ऐसा तुम बार बार गलती करती रही तो तुम्हारी गलती की वजह से मुझसे बागा को नौकरी से निकालने की मिस्टेक हो जाएगी। नहीं नहीं, गलती से भी ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा। आइंदा से मैं कभी भी दुकान में नाश्ता लाने की गलती नहीं करूंगी। अच्छा सेठ जी, अभी आप घर पे हैं? हाँ। तो आप दुकान कब आ रहे हैं? अरे वही बताने के लिए फोन किया नटू काका, मैं आज दुकान नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अरे वो सोडी कल रात से गायब है। क्या? क्या, कब, कैसे? अरे भाई बहुत लंबी रामायण है, बाद में बताऊंगा। कुछ मदद की जरूरत हो तो हम वहाँ आ जाएं। और दुकान कौन बावरी संभालेगी? किसने किया भागा ना? सेठ जी आप सोडी भाई को ढूंढने जाइए, दुकान की फिक्र मत कीजिए, दुकान मैं और नटू काका संभाल लेंगे। हाँ सेठ जी, रिलैक्स। रिलैक्स तो अभी सोडी मिल जाएगा, उसके बाद ही हो सकूंगा नटू काका। चलो कुछ अर्जेंट हो तो फोन करना, ठीक है? जी जी। टिप्पू के पापा, नाश्ता तैयार है। नहीं रहने दे दया। नहीं क्या? टिप्पू के पापा आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। टेंशन में कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है दया। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है टिप्पू के पापा, कहाँ गायब हो गए सोडी भाई? पता है सोडी भाई की चिंता में रोशन भाभी ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया है। ओहो, तो एक काम कर, तो उनके घर जा और रोशन भाभी को कुछ खिला के आ। हाँ, मैं कुछ अच्छा सा गर्मा गर्म बनाकर उनके लिए लेके जाती हूँ। और सुन, हो सके तो तुम सब लेडीज अभी रोशन भाभी के साथ में ही रहना, क्या इससे उनको जरा हिम्मत रहेगी। हाँ ये बराबर कहा आपने। रोशन भाभी, पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई है, और अगर अनजाने में कोई भूल हो गई है तो खुदाई जी प्लीज हमें माफ कर दो, और सही सलामत मेरे रोशन को घर लेके आइए। रोशन भाभी देखिए, ऐसे भूखे रहने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज, है ना? हाँ हाँ, एटलीस्ट आप ये जूस तो पी लीजिए प्लीज। हाँ रोशन भाभी, जूस पी लीजिए, मतलब मैं पी जाऊंगी। रोशन भाभी थोड़ा तो मुस्कुराओ। कोमल भाभी मैं कैसे मुस्कुराऊं, कल शाम से ना रोशन का फोन आया है ना ही वो खुद आया है। रोशन भाभी के लिए हाजिर है गुजरात के 56 भोग, अब आप कहेंगे कि क्या क्या है, ये है मुठिया गाठिया मगज भाखरवड़ी जलेबी पात्रा खमण अने थेपला ना थैया 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 थैया। आइए रोशन भाभी, चलिए चटका कीजिए। नहीं दया भाभी थैंक यू, पर मुझे जरा भी भूख नहीं है। दया भाभी हम भी इनको कब से कह रहे पर ये कुछ खा ही नहीं रही है। असं कसं चालेल? अरे आप लोगों को पता है अभी मुझे आने में लेट क्यों हो गया? क्यों? अरे मेरी आँख लग गई थी, सपने में मुझे सोडी भाई जी आ गए थे और मुझे कहने लगे, ओए दया भाभी जी सिसरी अकाल, थैंक यू जी आप मेरे लिए इतना सारा खाना लाए, पर सॉरी जी मैं नहीं खा सकता, मेरी सोनी मेरी रोशन वो भूखी है, आप पहले उसको खिलाइए बाद में मैं खाऊंगा। अरे बल्ले 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 बल्ले। राइट, ऐसे ही कहा होगा सोडी भाई ने। हाँ रोशन भाभी, अब आपको सोडी भाई के लिए खाना पड़ेगा, चलिए। देखिए रोशन भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है भूखे पेट कभी भी भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, तो हमारे पति परमेश्वर की भक्ति हम भूखे पेट कैसे कर सकते हैं? एकदम सही कहा। रोशन भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा दिल कह रहा है कि सोडी भाई जहाँ पर भी होंगे सही सलामत होंगे। हाँ रोशन भाभी, याद है जेठा भाई गलती से पाकिस्तान पहुँच गए थे, तब दया भाभी ने अपने आप को कितना अच्छी तरह संभाला था। पर कहना पड़ेगा हाँ, तब मुसीबत के समय में सोडी भाई हर वक्त हमारे साथ ही रहे थे, और आखिर में टप्पू के पापा घर पर आ गए थे, वैसे सोनी भाई भी घर पर आ जाएंगे। हाँ रोशन भाभी थैंक यू, आप सब नहीं होते तो मेरा और मेरे गोगी का क्या होता।
अमोल वही होता जो मंजूर है अम्बे माता होता। बोलो श्री अम्बे माता की। हाँ शाबाश रोशन भाभी, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और थोड़ा सा खा लीजिए, आइए ना प्लीज। बिल्कुल आइए। दया भाभी मेरे गोगी ने कुछ खाया? अरे रोशन भाभी टप्पू सेना के होते हुए आपका गोगी भूखा रह सकता है? गोगी अगर तू इसी तरह उदास रहेगा तो सोडी अंकल वापस आके हमें डांटेंगे कि मेरे गोगी को ऐसे रोने क्यों दिया। तो हाँ गोगी याद है एक बार सोडी अंकल के 20,000 रुपए खो गए थे फिर भी हंस रहे थे ये सोचकर कि मेरे पास तो पैसे चले गए लेकिन जिसे मिले वो कितना खुश होगा। हाँ सोडी अंकल हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके साथ बुरा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पापा आते क्यों नहीं? अरे गोगी तू टेंशन मत ले तेरे पापा बहुत जल्द आ जाएंगे। हाँ गोगी। और गोगी तू ऐसा क्यों सोचता है कि तेरे पापा गुम हो गए? तू वैसा सोच कि तेरे पापा गुम हुए ही नहीं है वो किसी गराज के काम से बाहर गए। करेक्ट। तो तेरी टेंशन ही दूर हो जाएगी। चल गोगी अब जल्दी बोल क्या खाएगा? केक खाएगा बर्गर खाएगा चॉकलेट खाएगा जल्दी बोल। मुझे कुछ नहीं खाना। देख गोगी अगर तू नहीं खाएगा तो कोई भी नहीं खाएगा। हाँ गोली भी नहीं खाएगा। हाँ गोगी और तुझे तो पता है ना अगर मैं भूखा रहा तो क्या होगा पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। गोली वो तेरे तरह नहीं खा सकता इतना फास्ट। थैंक यू फ्रेंड्स तुम लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता। कम ऑन यार गोगी फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। एक बार सोडी अंकल को आने दे उसके बाद हम सब मिलके पार्टी करेंगे क्यों फ्रेंड्स? लेकिन मेरे पापा कहाँ गायब हो गए? घंटा के ऊपर हो गया है। अरे पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई कोई खबर नहीं है आखिर गया कहाँ सोडी ढूंढे कहाँ उसको। अरे यह भी पता नहीं चल रहा है कि सोडी खो गया है कि अपनी मर्जी से गया है। अरे खो गया क्या क्या मतलब है यार भाई सोडी इंसान है सामान थोड़ी है जो खो जाएगा। जेठालाल मेरे कहने का मतलब ये है कि सोडी गायब हो गया है या उसको किसी ने गायब कर दिया है। और अगर सोडी अपनी मर्जी से गया भी हो तो कम से कम एक फोन तो करता। सही बात है। हाँ ये बात तो है क्योंकि अगर अभी तक सोडी का फोन नहीं आया इसका मतलब अपनी मर्जी से तो नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग सोडी को उठाकर ले गए हैं उन्होंने सोडी का मोबाइल और पर्स लूट लिया हो तो फिर सोडी फोन करेगा कैसे? हाँ लेकिन यार आज के जमाने में कहीं से भी फोन करना कौन सी बड़ी बात है। ये भी सही बात है। लेकिन मान लीजिए अगर उठा के ले जाने वाले सचमुच लुटेरे ही हो और लूटने के चक्कर में सोडी को बेहोश कर दिया हो तो? और भगवान ना करे कभी सर पे कोई चोट वोट लगा दी और सोडी की याददाश्त चली गई हो तो फोन कैसे करेगा वो? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तूफान एक्सप्रेस में रिपोर्टिंग की थी। अच्छा एक आदमी ऐसे ही अपने परिवार से बिछड़ गया था और उसकी याददाश्त चली गई थी। ओहो पता है वो अपने परिवार को 14 साल के बाद मिला। ओहो यानी सोडी भाई 14 साल के बाद मिलेंगे। अरे भाई अब्दुल शुभ शुभ बोल क्या बोल रहे हैं भाई। सोडी को गायब हुए 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं ना कोई फोन है ना कोई खबर। दोस्तों आज के इस इंटरनेट के युग में चांद पे क्या हो रहा है इसकी खबर हमें चुटकियों में मिल जाती है लेकिन सोडी के साथ क्या हो रहा है इसकी कोई खबर हमें नहीं है। किसी स्टेडियम में क्रिकेट का मैच चल रहा हो और सिर्फ आखिरी जोड़ी मैदान पे और आखिरी बॉल पे 6 रन बनाने हो तो स्टेडियम का माहौल कैसा होगा? इस वक्त ऐसा ही माहौल गोकुलधाम सोसाइटी का है। सभी के चेहरों पे हवाइयां उड़ रही है कि भाई सोडी कब आएगा कैसे आएगा किस तरह आएगा। मैं जानता हूं आपके दिमाग में भी आपके जहन में भी यही सवाल गूंज रहे हैं लेकिन इन सबका उत्तर मिलेगा हंसते हंसाते और उसके लिए आपको सोमवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगला एपिसोड शनिवार की रात 8:30 बजे आएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हां शनिवार की रात कल देखना मत भूलिएगा और तब तक आप भी सोचिए कि सोडी आखिर आएगा कैसे। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।